वालेकुम भाई यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब भाई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे आज सुबह सुबह उठ के मैंने शावर लिया सुबह मीनस ग्यारह बारह बजे का टाइम होगा और बहुत नॉर्मल से घर में पहनने वाले ना मैं इस तरह के जो लूज लूज़ कपड़े पहनती हूँ तो मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा घर में अच्छी ड्रेसिंग नहीं मतलब ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो जिसमें आप को ख़ुद को लगे कि आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ तो यहाँ पर जो है मैं उठी और उठ के मैंने सबसे पहले सोचा कि आज क्यों ना सबके लिए कुछ बनाया जाए काफ़ी दिन से मैंने कुकिंग नहीं की थी तो आज मेरा दिल था कि कुछ ना कुछ बनाऊँ तो मैंने फिर अपनी फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत लाइट सा एक मटर वाला पुलाव बनाती हो तो हमें वो बना के खिलाओ मैंने कहा ओके ठीक है तो मैंने सबसे पहले उठ के तो अपने लिए दूध भी पाई निकाल लिया कि मैं चाय भी साथ बनाती हूँ और साथ साथ जो है मैं वो मटर प्लाव की तैयारी कर लेती हूँ और सबके लिए एकदम मतलब बनाती हूँ क्योंकि मेरे अभी अपार्टमेंट में जो रूम है वहाँ पे भी कुछ फैमिलीज़ मेरे साथ आके रह रही हैं और क्योंकि अपार्टमेंट बहुत बड़ा था ना तो इसलिए यहाँ पर भी हैं और बाकी जो हैं वो नीचे वाले फ्लोर पे भी कुछ फ्रेंड्स हैं तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सबके लिए बना लेती हूँ तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय सबसे पहले ऊपर रखूँगी और उसके बाद कुछ और करूँगी क्योंकि अभी मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ तो अभी दिल चाह रहा है कि कुछ पहले खाऊँ पी तो उसके बाद फिर जो है वो आ, काम की तरफ जाऊँ अच्छा यहाँ पर देखेंगे मैंने आ, कूटने के लिए ना छोटा सा ये ला के रखा हुआ है मुझे ये इतना पसंद है और इलायची जो है ना मुझे पता नहीं क्यों उसकी चाय में खुशबू बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा जब भी इलायची डालती हूँ ना तो इस तरह से इसको मैंने ला के रखा हुआ है इसमें कूट के अच्छी तरह से उसके दाने जिसकी खुशबू इतनी अच्छी आए ना तो फिर मैं चाय बनाती हूँ मुझे वो सिंपल वाली चाय अच्छी नहीं लगती तो इसलिए फिर मैं ना इसी में कूट के तो ये देखें अब इसकी इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना तो मज़ा आ जाता है चाय पीने का अच्छा संद ये चस, चस। <laughs> तो खैर यहाँ पर जो है हम लोगों ने चाय जो अपनी रेडी कर ली साथ में मेरे पास थोड़े से रात के नूडल्स रखे हुए थे वो भी आ, मेरी रूममेट फ्रेंड ने ही दिए थे बहुत ही अच्छी है मेरी फ्रेंड तो उन्होंने रात में मुझे दिए तो बहुत लेट हो गया था तो फिर मैंने रात में नहीं खाए थे मैंने रख लिए तो अभी जब सुबह मैं उठी तो मुझे भूख फील हो रही थी तो फिर मैंने साथ ही चाय के ये गरम कर लिए उसके बाद मैंने राइस निकाले प्याज मैंने यहाँ पे उसकी कटिंग कर ली थी देख जब बहुत बड़ा सा मैंने निकाल लिया था क्योंकि जब भी आपको कुछ भी ज़्यादा बनाना हो ना तो अब बहुत बड़े खुले बर्तन में बनाओगे ना नहीं like आपको बहुत मतलब चीज़ बहुत अच्छी बनेंगी आपकी जो भी बना रहे हो आप सालन बना रहे हो आप कोई डिज़र्ट खीर या पुलाव राइस मतलब कुछ भी कुछ भी तो वो बहुत अच्छे से बनता है फिर तो यहाँ पर इनको मैं रखूँगी ऊपर यहाँ पर जो है देखेंगे मैंने जो व्लॉग पूरा नहीं बना सकी थी मेरी एक फ्रेंड आ गई उनके साथ साथ बात भी कर रही थी साथ, साथ मैंने सारा वो मटर का मसाला जो है वो बना लिया था अभी मैं ये कैमरा रख के ये चावल भी सारे अंदर ऐड करूँगी क्योंकि रिस्क को कभी भी ज़ाया नहीं करते हैं तो ये देखें ये मेरे तकरीबन क्योंकि मैंने इनका कलर बहुत ज़्यादा नहीं निकालना था बहुत लाइट रखने थे तो यहाँ पर मैंने सारे ऐड कर दिए और अभी जो है मैं इनको लगाऊँगी दम पे और दम पे जो है मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये देखें ये इनकी शक्ल है अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने इनको दम पे लगाया था तो अभी मैं थोड़ा चेक करूँगी इसको कि अभी कितनी देर है तो ये देखें मुझे इस तरह के खिले हुए निखरे हुए चावल बहुत अच्छे लगते हैं मतलब थाना दाना अलग होना चाहिए जो वो मतलब कुछ लोग हैं उनको वो राइस अच्छे लगते हैं वो घुले हुए ज़रा इस तरह से तो मुझे ज़रा लगते हैं कि भाई हाँ मतलब अच्छे होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए अब पता नहीं अपनी तरफ से तो मैंने खैर बहुत अच्छा बनाया मुझे नहीं पता सबको पसंद आता है कि नहीं आता खैर इनको अभी दम थोड़ी देर के लिए और जाएगा अभी इनको टाइम थोड़ा और लगेगा तो अभी मैं इनको और दम दे देती हूँ रायता शायता मैंने इनसे कहा था खुद बना लें मैं इतना ही कर सकती हूँ तो अभी जो है हमारा वो दम कंप्लीट हो गया था मैंने निकाले और मैं इस तरह से सबके लिए डिशेज़ बना रही थी तो ये एक डिश कंप्लीट हो गई तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ इस तरह से फिर मैं जो है सबको सर्व कर दूँगी मतलब जिस चीज़ को भी अपने फ्रेंड्स को देने तो उनको इसी तरह से मैं डिश में डाल के दे दूंगी यहाँ पर सब काम ख़त्म हो गया तो मैं थोड़ी देर रूम की विंडो खोल के खड़ी हुई इतनी प्यारी यहाँ से ठंडी हवा आ रही थी और व्यू देखे कितना अच्छा लग रहा है पानी का कॉर्निश का मतलब ट्रैफिक शाम का टाइम हो गया ना तो मैं तब से किचन में खड़ी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे खड़े हो के ना तो आप बहुत सारा कुछ सोच सकते हो मतलब सोच क्या सकते हो खुद ही आ जा पॉजिटिव थिंकिंग आ रही होती है तो कि मैं यहाँ पे कभी कभी खड़ी हो जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे देखें शाम कितनी अच्छी लग रही है ना शाम होते हुए और मतलब ऐसा व्यू धीरे धीरे ट्रैफिक चल रही है मेरा अपार्टमेंट है ट्वेंटी थ्री फ्लोर पे तो वहाँ से फिर ये व्यू इतना ही अच्छा नज़र आता है तो खैर रात का भी किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी रात का भी ऊपर से बहुत बहुत माशा अच्छा लगता है ऐसे सुनसान होता है ना रात को कोई इक्का दुक्का गाड़ी खामोशी और बड़ा ही अच्छा लगता है रात को वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी खैर काफ़ी देर मैं यहाँ पे खड़ी रही उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई और उसने बोला कि आ जाओ सब फ्रेंड्स के लिए मिल के हम पूरी बनाते हैं मतलब इंडियन फ्रेंड है मेरी मुस्लिम इंडियन फ्रेंड है तो उन्होंने ये धनिया पुदीना निकाला था और मैं उनसे पूछ रही थी कि ये किस लिए निकाला था वो कह रही थी इसकी चटनी बनेगी तो मुझे वो कह रही थी कि ये आपने <laughs> मिर्ची जो है ना ये काटनी है मैं वो कट कर रही थी और गोलगप्पे जो हैं वो हम बने हुए लेके आए थे उनको जस्ट हम फ्राई करेंगे ये अपने कुछ स्टाइल का बनाएंगी आ, मतलब ये पाकिस्तानी स्टाइल के नहीं बनेंगे ये कुछ इंडियन स्टाइल की जो पानी पूरी होती है मतलब हम लोग उनको गोलगप्पे कहते हैं लेकिन ये लोग पानीपुरी कहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कुछ वो बनाया था जैसे हमारा मिक्सचर होता है ना थोड़ा अलग सा चने और कुछ आलू टाइप ये वो इनका कुछ था बटाना और उसमें था प्याज था और थोड़ा सा मसाला ऐड किया था तो ये देखें यहाँ पर जो है हमारी सारी वो बिखरा हुआ है अभी सारा कुछ जो है तो अभी यहाँ पे हम पानी रेडी करेंगे जिसमें इन्होंने ये पेस्ट बनाया था धनिया पुदीना और सबस मिर्च डाल के तो ये पेस्ट इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा तीखेपन के लिए जिससे थोड़ा स्पाइसी भी लगे थोड़ा तीखा भी लगे तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा बिल्कुल जो है अदरक का वो क्या टेस्ट के लिए पानी भी शामिल किया है तो वो कह रही हैं कि इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा खैर ये तो मैं बाद में आपको खा के बताऊँगी अभी तो ये बन रहा है तो वो मैं देख रही हूँ कि ये कैसे बना रही हैं और साथ साथ मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही थी क्योंकि हमने जो हमारी नीचे वाले फ्लोर पे फ्रेंड्स रहती हैं उन सबको भी बोला था आप भी आ जाएं तो ये इमली का पानी है इसके अंदर ये भी ऐड किया तो उनको ये भी था कि कुछ ज़्यादा खट्टा ना हो जाए तो वो थोड़ा इस तरह करके ऐड कर रही थी अपने हिसाब से तो यहाँ पर साथ साथ टेस्टिंग भी चल रही थी यहाँ पर हम अपने अब पानी हमारा रेडी हो चुका था अभी हम अपने गोलगप्पे जो हैं वो फ्राई करेंगे तो ये देखें ये बने यहाँ से मिलते हैं ना तो ये इस तरह से गोल गोल फूल जाएंगे कितने अच्छे लग रहे हैं इतने अच्छे लग रहे हैं अच्छा वैसे मैं पास ही खड़ी थी इसके बाद मैंने आलिया को बोला कि लाओ मुझे दो मैं सब फ्राई करती हूँ अच्छा जैसे मैं फ्राई कर रही थी तब भी बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन अभी मैंने देखा कि ये देखें अब मैं फ्राई करूँगी कि मुझे वीडियो में और भी अच्छे लग रहे हैं ये कितने मज़े के लग रहे हैं वो एकदम से पुले पूले से मेरा ख्याल है वैसे पता नहीं मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इस तरह से मिलते हैं कि नहीं मिलते तो ये देखें हमने इतने ज़्यादा फ्राई कर करके कर के कर कर के कर, करके कर, और वो बहुत म, मतलब अच्छे लग रहे हैं मजे के लग रहे हैं तो अभी जो है वो हमारी सारी फ्रेंड्स आ चुकी हैं ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुके हैं बाद में ये गन्स मेटेंगे अभी हम इनको फिल करेंगे तो हमने सरम को लगा दिया था कि इसकी फिलिंग करो पानी मैंने सब डिस्पोजिबल ग्लासेस में डाल दिया था अभी जब मैंने ये टेस्ट किए तो ये बहुत अच्छे बने थे मतलब थोड़ा इंडियन टेस्ट था थोड़ा अलग से था लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे ये बहुत मज़े के लग रहे थे यहाँ पर हम सब ने मिल के खाए इतना मज़ा आया था इतना मज़ा आया था बहुत इन्जॉय किया हमने और काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे बहुत देर इन्जॉय करते रहे हम लोग और ये पूरा पतीला तो नहीं हमसे खाली हुआ <laughs> तो थोड़ा ही हुआ था खैर उसके बाद जो है मुझे लेनी थी अपने लिए कोई चीज़ें मेरी आइसक्रीम एक तो ख़त्म हो गई थी तो आज ना कुछ मैं डिफरेंट वाली आइस आइसक्रीम चाह रही थी कुल्फ़ा खा खा के ना वो तंग आ गई थी मैं थोड़ा तो पता नहीं मुझे लोटस क्यों इतना पसंद है तो यहाँ पे भी मुझे उसकी आइसक्रीम दिखी <laughs> तो मैंने फ़ौरन से लोटस वाली आइसक्रीम उठा ली और कहा हाँ ये टेस्ट करके देखती हूँ ये कैसी है तो आई थिंक अच्छी होगी जब मैं खाऊँगी तो आपको लाजमी बताऊँगी उसके बाद मुझे कोक चाहिए थी और इसमें थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन छोटे से ये बिल्कुल छोटा सा टिन पैक होता है इससे कोक वेस्ट नहीं होती है बिल्कुल दो चार घूंट में ख़त्म हो जाती है तो मैं हमेशा क्योंकि मैंने नहीं पीनी होती है ज़्यादा सनम भी कम पीती है बाकी सब भी थोड़े तो मुझे ही ज़्यादा वो लग रही होती है तो फिर मैंने कहा अच्छा ये टेन वाला एक पैक ले लेते हैं उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे चाहिए थी क्रीम चाहिए थी तो अलमराई की ये क्रीम का पैक था तो मैंने कहा ये पूरा पैक ही ले लेती हूँ ये भी काम आएगा दूध भी मैंने ले लिया था वो भी चाहिए था और कोक भी ले ली थी अच्छा दूध जो है हम लोग मीठे में कुछ और यूज़ करते हैं मीठे में मैं आ, जो लोग जो दुबई में रहते हैं उनको पता होगा अर नादिक का मीठा बहुत अच्छा बनता है बहुत अच्छा उसका टेस्टी मीठा बनता है और जो है ना पीने के लिए या मतलब उसके लिए अलैन का दूध बहुत अच्छा होता है यार यहाँ पे बहुत टाइम हो चुका था क्योंकि पहले हम घर पे बैठे रहे वो पानी पूरी खाई उसके बाद निकले और ये देखें कि रात के, के साढ़े तीन का टाइम हो चुका है जब हम लोग घर वापस जा रहे थे तो ब्लॉग जो है मैं हमेशा एक दिन पहले बना लेती हूँ और उसके बाद अपलोड करती हूँ खैर यहाँ पर जो है मैं आपको हाफिज़ कहती हूँ